हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम रक्षिता डोडवानी है। मैं जोधपुर राजस्थान में रहती हूँ। मैं 11 ईयर्स की हूँ। आप सभी को पता है बच्चों की ज़िंदगी बहुत 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 अच्छी होती है, बस उन्हें दो ही बातें ऐसी होती है जो उन्हें बहुत तंग कर देती हैं। पहली तो ये गर्मी और दूसरी मम्मी और पापा। अब मम्मी और पापा क्यों, मैं बताती हूँ। जब भी मैं मेरे मम्मी पापा से कुछ भी पूछने जाती हूँ या उनसे कुछ कहने जाती हूँ तो वो कहते हैं कि अब तुम बड़ी हो गई हो। अब बात यह है कि मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं मम्मी से पूछे बगैर घर के बाहर जा सकती हूँ। यही बात मैंने पापा से पूछी तो मेरे पापा कहते हैं कि बेटा, आज तक मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि तुम्हारी मम्मी से पूछी बगैर घर के बाहर जा सकूँ। तो मेरे पापा ने तो मुझे ये जवाब दिया। फिर एक बार मैं मेरे मम्मी से ये पूछने गई कि मम्मी, मैं टीवी देखने जाऊँ, तो मेरी मम्मी कहती है कि आजकल तुम टीवी बहुत देखती हो, जाकर अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलती बाहर। तो मैंने धीरे धीरे बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू किया। फिर एक दिन मेरे पापा आके मुझे कहते हैं कि आजकल तुम बाहर बहुत खेलती हो, अंदर जाकर अपनी पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान देती। तो फिर मैंने धीरे धीरे अंदर जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू किया। फिर एक दिन मेरे मम्मी और पापा मुझे दोनों आके कहते हैं कि तुम पढ़ाई पे ध्यान देती हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये तुम्हारी राइटिंग है, अपनी राइटिंग को थोड़ा सुधारो। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी राइटिंग को सुधारा। फिर एक दिन मेरे पापा आके मुझे कहते हैं, ये तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है पर ये तुम्हारी मिस्टेक्स कितनी है, अपनी मिस्टेक्स को सुधारो। मैंने कहा, मैं छोटी सी जान, आप लोग मुझे, मैं बाहर खेलने जाती हूँ तो कहते हो कि अंदर जाके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ तो कहते हो अपनी राइटिंग सुधार, राइटिंग सुधारती हूँ तो मिस्टेक्स सुधार। आज सुबह दोनों के दोनों झगड़ा कर रहे थे। किस बात पे, कि मैं बिगड़ी किसकी वजह से हूँ। मम्मी को लगता है कि मैं पापा के बहुत ज़्यादा काम कराने से बिगड़ी हूँ, और पापा को लगता है कि मैं मम्मी के बहुत ज़्यादा लाड प्यार देने से बिगड़ी हूँ। दोनों एक महीने का राशन पानी लेके मेरे सर पे चढ़ गए थे। अब मेरी आपसे एक लास्ट की गुजारिश है कि ज़िंदगी अच्छी है कि ज़िंदगी को जीने वाले अच्छे हैं, ज़िंदगी अच्छी है कि जीने वाले, ज़िंदगी जीने वाले अच्छे हैं। आपको मेरे मम्मी पापा समझ में आए तो प्लीज़ मुझे समझाना। थैंक यू।